ये देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रखे हैं जिसमें पार्टनर्स है मदन मोहन, जिनका रेशियो है 3:2। 31 मार्च को बैलेंस शीट क्रेडिटर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखिएगा, इस बार बैलेंस शीट के अंदर है। जनरल लेजर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मदन मोहन का कैपिटल 60:40। एसेट्स में बैंक है, डेटर से प्रोविजन लेस है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और पेटेंट, ये हम लोग का बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अलावा एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट बगल पेज में, ये रहा एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले देखिए, दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल। गोपाल न्यू पार्टनर के रूप में आएगा 1 अप्रैल 2019। गोपाल का शेयर होगा 1/4। गोपाल 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल देगा, गुडविल के नाम से गोपाल 20,000 देगा। एक एसेट्स है अनरिकॉर्डेड अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम एसेट्स है, रिवेल्युएशन में बाई। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 45 हो गया, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50 था, इसके अगेंस्ट में कोई रिजर्व या प्रोविजन नहीं था। रिवेल्युएशन में 5,000 इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करा देंगे। डेटर पे 5,000 रुपया रिटर्न ऑफ हो चुका था, अब वो 4,000 रुपया सेटल्ड कर दिया, पैसा दे दिया। रिवेल्युएशन में बाई बैंक लिखेंगे, क्योंकि डेटर जो था वो बैड डेट हो चुका है, अभी ये बैड डेट रिकवरी है, इनकम है। रिवेल्युएशन में बाई बैंक, बैड डेट रिकवर्ड लिख देंगे। 3,000 वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम हुआ, जबकि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन 12,000 है, क्लेम हो रहा है 3,000, तो 9,000 रुपया बच गया, जिसको कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पेटेंट का दाम 2,000 रुपया कम करना है। गोपाल टोटल कैपिटल का 1/4 लाएगा, इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल। गोपाल जो है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/4 लाएगा, तो दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शनेट कैपिटल। ये प्रपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन है। बिजनेस का टोटल कैपिटल 1 मानेंगे, गोपाल का कैपिटल 1/4, रिमेनिंग हो जाएगा 3/4। रिमेनिंग कहने का मतलब मदन मोहन का क्लोजिंग कैपिटल, उससे टोटल कैपिटल निकाल लेंगे और टोटल कैपिटल से गोपाल कैपिटल निकाल जाएगा, ठीक है। रिवेल्युएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। पहले आपको वर्किंग दिखा देते हैं। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है 3:2। अब गोपाल शेयर है 1/4, गोपाल शेयर 1/4, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, अब गोपाल शेयर 1/4, तो गोपाल को देने के बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1 - 1/4, तो 3/4 बचेगा। अब मदन न्यू शेयर, अब मोहन न्यू शेयर, ये जो 3/4 बचा इसको ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 में बांट देंगे, तो 9/20, 6/20। अब गोपाल को भी इसी कैटेगरी में ले लेते हैं। गोपाल 1/4 था, दोनों के नीचे 20 है, 5/20। तो न्यू रेशियो इज 9, 6, 5, ठीक है। अब यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मदन का ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो था 9/20, एलसीएम इज 20, तो 12 - 9, 3/20। अब मोहन का 2/5 - 6/20, एलसीएम 20, 8 - 6, दैट इज 2/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। गुडविल का जो प्रीमियम आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए आपके सामने ही है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी इसका था 60,000, इसका 40,000, इसका नहीं था। बाई बैंक अकाउंट
नया पार्टनर कैपिटल देगा, लेकिन वो कैपिटल पता नहीं एंट्री करके जगह रख दिए, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नया पार्टनर गुडविल के नाम से 20,000 देगा, इसको मिलेगा 12, इसको मिलेगा 8 डैश, अंदर जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है 20,000 जनरल रिजर्व, 20,000 को 12,000, 8,000। अच्छा, अंदर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था 12,000 और नीचे 9,000 बोला था, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी प्रॉफिट है, तो अंदर था 12,000 और नीचे बोला था क्लेम होगा 3,000, तो प्रॉफिट हुआ 9,500, 400, ठीक है, और 3,600। ओल्ड रेशियो में इसको भी बांट दिए। अब काम करेंगे रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में एक एक्रूड इनकम है, एक नया एसेट सामने आया, बाई एक्रूड इनकम एसेट्स प्लस हो रहा है, एसेट एक आ रहा है 1,000, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 45 हो गया, बैलेंस शीट में 50 था, तो इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया 5,000। अच्छा, डेटर से 4,000 रुपया बैड डेट रिकवरी हुआ, तो यहां लिखते हैं बाई बैंक बैड डेट रिकवर्ड, दैट इज 4,000 इनकम हो रहा है, ठीक। पेटेंट का दाम 2,000 कम करना है, पेटेंट ओवर वैल्यूड है 2,000। बस रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं दिख रहा है, ये हुआ 7,000, इधर आया 7,000 बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मदन मोहन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, 2,000 लॉस आ जाएगा, दैट इज 1,200, 800 कैपिटल में ले लेते हैं टू रिवैल्यूएशन 1,200, 800। क्वेश्चन मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। अब हमको कैपिटल में प्रपोर्शनेट सोचना है। प्रपोर्शनेट कैपिटल में इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट होता है, तो आप चाहो तो आराम से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल सीधी कर दो, तो ये हो जाएगा 84,89,400, 89,400, 88,200, ये हो जाएगा 59,600, 59,600, और यहां 800 गया, दैट इज 58,800, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको प्रपोर्शनेट कैपिटल का वर्किंग दिखाते हैं। वर्किंग नंबर 2 हेडिंग मार देते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल। सबसे पहले लेट टोटल कैपिटल इक्वल टू 1, और नया पार्टनर गोपाल है, गोपाल कैपिटल इक्वल टू 1/4 रेशियो की तरह, देयरफॉर रिमेनिंग कैपिटल 1-1/4 इक्वल टू 3/4, रिमेनिंग कैपिटल इक्वल टू, ये मेन लाइन है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन, जो दो पार्टनर है मदन मोहन, मदन का कैपिटल आया था 88,200 और मोहन का कैपिटल आया था 58,800, तो ये हो जाएगा 1,816,17,13,14, दैट इज 147 हो जाएगा, और 147 से टोटल कैपिटल निकाल देंगे, देयरफॉर टोटल कैपिटल इक्वल टू 147 इंटू 4/3 अगर करते हैं तो 147,000 × 4/3 आंसर आता है 1,96,000। देयरफॉर
गोपाल कैपिटल इक्वल टू 196,000 इंटू 1/4। गोपाल का कैपिटल आया 49,000। ठीक है, तो हम लोग ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का पॉपुलर वर्किंग है। इसी तरह नया पार्टनर का कैपिटल डिटरमाइन हो जाता है। तो गोपाल कैपिटल आया 49, तो 49 का एंट्री ले आते हैं। यहां लिखे थे बाई बैंक, 49 लिख देते हैं। ये टोटल 49, ये 49, आंसर इज आल्सो 49। अब बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। तीनों पार्टनर्स का पहले कैपिटल लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल दैट इज मदन, मोहन और गोपाल। एक का था 88,200, 58,800, 49, तीनों मिलाए थे तो आया था 196। अब इसके अलावा लायबिलिटी में देखते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन 3,000 पे फाइनल हुआ था। वर्कमैन कंपेंसेशन ये 3,000 लायबिलिटी हुआ था। इसके अलावा क्रेडिटर था 28, क्रेडिटर के नाम से कोई एंट्री भी नहीं किए थे तो वो 28 ही रह गया। एसेट्स की तरफ प्लांट एंड मशीनरी 10 था, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से एंट्री नहीं हुआ था तो प्लांट एंड मशीनरी को, सॉरी एसेट्स में पेटेंट था, पेटेंट का 2,000 दाम कम किए थे तो पेटेंट 8,000 हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का 5,000 दाम कम किए थे, इन्वेस्टमेंट 45 हो जाएगा। स्टॉक, स्टॉक का हम लोग कुछ नहीं किए थे तो स्टॉक 30,000 ही रह जाएगा। डेटर, डेटर का भी कुछ नहीं किए थे, डेटर 65 था, अब प्रोविजन 5,000 था, इसका कोई एंट्री नहीं किए थे तो डेटर 60 का 60 रह गया। बैंक, बैंक का एंट्री को ध्यान देना होगा, बैंक आपके पास 10,000 था। कैपिटल के नाम से पार्टनर 49 दिया था, गुडविल के नाम से 20 दिया था, और आपको याद हो तो बैड डेट रिकवरी का भी 4,000 था, बैड डेट रिकवरी हुआ था 4,000 रुपया। तो अगर टोटल किया जाए तो 83,000 हो जाएगा, टोटल हो गया 83,000। इसके अलावा एक एक्रूड इनकम आया था, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का अमाउंट 1,000 था, एक्रूड इनकम 1,000 था। अब हमको टोटल करना होगा, एसेट्स की तरफ टोटल करते 8,000, 45,000, 30,000, 60,000, 83,000 एंड 1,000 एक्रूड इनकम का 227। 227। अच्छा देखते हैं लायबिलिटी में, यस हो जाएगा 227, टोटल मिल गया। तो हम लोग जैसे सोल्व करते थे वैसे ही किए हैं। रिवैल्यूएशन छोटा सा था, लॉस आ गया, कैपिटल एज यूजुअल बना है। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 12 था, बाहर 3, तो 9,000 सरप्लस हुआ, 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जनरली जब तो प्रॉफिट बढ़ता ही है, गुडविल का पैसा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैपिटल का वर्किंग मेन था। इस टॉपिक को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं देता है, रेशियो के हेल्प से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वर्किंग पहले भी हम लोग किए हैं। कैपिटल आया 49। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लिखिए और साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों में चैनल बोलिए, सब्सक्राइब करने को बढ़ाइए। कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट को लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।